कठिन लग सकता है विषय कदाचित। कितना है पूरा 60 कारी का, उन्हें कितने अध्याय हुए हैं? 3 अध्यायों में है, 3 में 60 आ जाएंगे हैं, क्योंकि आगे आगे देखे वो तो किसी में 3 किसी में 4 कारिका में एक एक अध्याय पूरा हो रहा है, आगे आगे चल करके 3-4 कारिकाओं में ही पूरा हो जाता है। चूंकि ये तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की एक तरह से व्याख्या जैसा है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण से ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं धेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जैन आचार्यों में एक समर्थ आचार्य, आचार्य समंतभद्र, दो विशेषताएं मुख्य है। एक तो जैन न्याय के एक आधार स्तंभ रूप आचार्य हैं। जैन न्याय के 4 स्तंभ लिए जाए तो उसमें से एक स्तंभ आचार्य समंतभद्र हैं। आचार्य अकलंक देव है, आचार्य विद्यानंदी हैं, बाकी सब फिर एक स्तंभ में आ सकते हैं। और दूसरा न्याय विषय तर्क वितर्क का है, और तर्क वितर्क अधिकतर गद्य में होता है हेतु, लेकिन स्तुति साहित्य स्तोत्र में न्याय का प्रयोग ये समंतभद्र आचार्य ने किया। अधिकतर आपके स्तोत्र संबंधी ही साहित्य है, स्वयंभू स्तोत्र, जिन स्तुति शतक, जिसको स्तुति विद्या भी नाम दिया, और युक्त्यनुशासन, ये भी एक तरह से आपके द्वारा कहा गया अनुशासन यानी कथन युक्ति मत ही है, युक्ति से सहित ही है, इसी का विश्लेषण हुआ। जिनेंद्र भगवान के वचनों की ही चर्चा हुई, युक्ति अनुशासन, और देवागम स्तोत्र, आप्त मीमांसा, तो ये भी स्तोत्र से संबंधित ही हैं। अब क्या बचा? रत्नकरण श्रावकाचार, बस। मैंने मूल अभी उपलब्ध जितना है वो इतना ही है, तो उसमें से एक चारित्र संबंधी है और बाकी सब एक तरह से स्तोत्र साहित्य ही है। और वो स्तोत्र साहित्य, स्तुति साहित्य, उसमें अनावश्यक भगवान का अतिशय पूर्ण वर्णन करना, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करना, ऐसा नहीं हो करके उसमें भी तत्व और न्याय विषय को ही भरा हुआ है। ये जो विषय देवागम स्तोत्र, देवागम स्तोत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रारंभ देवागम से शब्द से हुआ, ये भी एक पद्धति रही है, जो प्रारंभ का भक्तामर स्तोत्र जैसा, कल्याण मंदिर, ये सभी विशापहार, मैंने ये सब प्रारंभ वहाँ से होते हैं पहले शब्द से, तो उसी शब्द को लेकर के वो स्तोत्र का नाम दिया जाता है। वैसे आप्त मीमांसा है, आचार्य विद्यानंदी उन्होंने आप्त परीक्षा लिखी और आचार्य समंतभद्र आप्त मीमांसा लिख रहे हैं। दोनों का आधार तत्वार सूत्र का मंगलाचरण ही है, उस मंगलाचरण के आधार से ही लिखा। परीक्षा और मीमांसा में क्या अंतर है? वीर सागर जी ने एक बार बताया था ध्यान, परीक्षा और मीमांसा। परीक्षा में सत्य असत्य का निर्णय, कौन सत्य है कौन सही नहीं है, इसका निर्णय किया जाएगा, इसका निर्णय किया जाता है। और मीमांसा में सत्य तो है ही,
ये तो मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या विशेषताएं हैं? यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, कैसे सत्य है, क्या विशेषताएं हैं? और वो उसी की ही मीमांसा होती है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग करके भी कहा था, रत्न परीक्षा और रत्न मीमांसा दोनों एक नहीं हैं। रत्न परीक्षा तो उसमें तो रत्न की परख की जाएगी, और रत्न मीमांसा में किसी एक विशेष रत्न को लेकर के, हीरा है तो क्या विशेषताएं होती है, कैसा होता है, उसी की मीमांसा होगी। और इसलिए उनने तो कपिलादि माने वो आप्त नहीं है, उन सब की समीक्षा की, परीक्षा की, एक एक की, ईश्वर की, सुगत की, उन सब की परीक्षा की, और यहाँ और किसी की परीक्षा नहीं। आपने जो कथन किया वही यथार्थ है, इसके अतिरिक्त और कोई यथार्थ नहीं है। यहाँ तो सीधा कहते हैं सत्वमेवासी निर्दोष हो, यहाँ तो पहले से ही कहते हैं ऐसे निर्दोष तो बस आप हो, और आप ऐसे निर्दोष हो इसलिए आपके द्वारा कहा गया कथन वो सब निर्दोष हैं, और बाकी ने जो कहा वो निर्दोष नहीं है। कैसे निर्दोष नहीं है, क्या दोष है उसमें, वो उसकी ही चर्चा एक तरह से विस्तार से की गई है इसमें। 114 छंद है इसमें, 114 छंद, और परिचय में इसमें लिखा हुआ है कि एक तरह से मंगलाचरण की व्याख्या है। उस मंगलाचरण में भी मोक्ष मार्गस्य नेतारम् इसी की व्याख्या हुई एक तरह से, मोक्ष मार्ग के नेता, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए तत्व का विवेचन आपने किया वो आपने यथार्थ किया, और अन्य का विवेचन ठीक नहीं है। या ज्ञातारम विश्व तत्वाणाम, विश्व तत्वों के आप ज्ञाता हैं, आपने ही विश्व तत्व को अच्छी तरह से जाना है, संपूर्ण तत्वों को स्वरूप आपके द्वारा ही यथार्थ जाना गया, बाकी ने यथार्थ नहीं जाना इसलिए भूल हुई, इसका ही एक तरह से विस्तार लिखते हुए किया। दूसरा ये कहते हैं गंधहस्ती महाभाष्य नाम का एक महाभाष्य तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य सामंतभद्र ने लिखा, जो कि अभी अनुपलब्ध है। वैसे इसकी खोज बहुत की गई, इस पर बहुत प्रयास किया गया, ऐसा भी कहीं उल्लेख था कि ताम्रपत्र लिख कर गाढ़ा गया है सुरक्षितता के लिए, तो उस अनुसार भी ताम्रपत्र के लिए यंत्रों के माध्यम से भी कहीं खोजा जाए। जहाँ जहाँ सामंतभद्र आचार्य के होने की संभावना उल्लेख मिलता है वहाँ वहाँ जा कर के खोजने का प्रयास भी इस पर बहुत हुआ, लेकिन अपना सबका दुर्भाग्य कि हमें अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसा भी कहने में आता है कि कहाँ जर्मनी, जापान, कहीं और विदेशों में है, या लंदन कहाँ है, और इस पर वे लोग शोध खोज कर रहे हैं, चल रहा है, ऐसा भी सुनने में आता है। लेकिन ये बहुत विस्तृत महाभाष्य है, वो गंधहस्ती महाभाष्य इस पर लिखा गया, और उसका भी ये मंगलाचरण है ऐसा कहते हैं। तत्वार सूत्र के मंगलाचरण की व्याख्या करते हुए 114 श्लोक लिखे अमृत आप सामंतभद्र आचार्य ने, उस पर और टीकाएं लिखी गई, मान ये अपने आप में ये व्याख्यात्मक है, टीकात्मक है, उसकी टीका करते हुए लिखा और फिर उस पर टीका लिखी गई, दो टीकाएं हुई ना, एक अष्टशती आचार्य अकलंक देव और अष्ट सहस्री आचार्य विद्यानंदी, जो अन्य मतों के एकांत का खंडन किया गया है। यहाँ तो उल्लेख मात्र ही एक तरह से बहुत संक्षेप में, फिर उसका विस्तार से खंडन अष्टशती और अष्ट सहस्री में। अष्ट सहस्री सबसे ज़्यादा गूढ़ और गंभीर है, अष्ट सहस्री ये तो पहले पाठ्यक्रमों में थी, अब तो हट गई होगी, आचार्य में है क्या, और यदि होती भी है तो बहुत प्रारंभ का थोड़ा सा अंश, एक तरह से नमूना मात्र। और ये पहले दादा वगैरह जब पढ़ते थे तो कहते कि उस समय अष्ट सहस्री को कष्ट सहस्री कहते थे, अष्ट सहस्री बड़े इतना
कठिन भाषा की दृष्टि से, और चूंकि अन्य मतों की चर्चा होती है वो इतना उस पर अपना अवगाहन नहीं होता, इसलिए भी कठिन लगता है। उन सब का समझ ले प्रारंभ है देवागम स्तोत्र। इसमें प्रसिद्धि यद्यपि भगवान की भी परीक्षा समत भद्राचार्य ने की, वो परीक्षा करके फिर जब प्रमाणित हुआ कि आप ही परीक्षा में खरे उतरे, तब स्वीकार किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, परीक्षा मीमांसा कर रहे ना, तो मीमांसा करते हुए उन्होंने खड़ा नहीं किया, वो तो ये कह रहे सीधा सीधा आप ही महान हो, लेकिन आपको हम महान क्यों मानते हैं, ये हम मीमांसा कर रहे हैं। इस कारण से आपको महान नहीं मानते हैं, इस कारण से महान मानते हैं। बस प्रारंभ में क्यों महान नहीं मानते उनकी चर्चा करके फिर महानता की चर्चा प्रारंभ, फिर सारी चर्चा तात्विक चर्चा ही है। कितने श्लोक है इसमें? 114 श्लोक कुल मिलाकर के, 114 श्लोक। लेकिन वैसे एक श्लोक ऐसा है मेरे ख्याल से 10-12 बार, 10 अध्याय तो 10 बार तो दोहरा ही गया है, माने 10 अध्याय है तो हर अध्याय में एक एक एकांत की चर्चा की, किसी किसी में डबल भी है, कुछ अलग अतिरिक्त एकांतों की चर्चा भी है, मैंने कम से कम 12 या 14 बार एक श्लोक दोहराया गया है। विरोधाद नो वेकांतम साद्वाद विद्विषाम अवाच्यते पान्ते पुत्र नवाच्यमिति युज्यते, ये श्लोक कम से कम 12 या 13 बार दोहराया गया है, बाद में गिनती करना उसमें से, तो उतने तो सरल हो गए ना। ऐसा रिपीटेशन ये तो नहीं है, ये भजन वगैरह लिखते हैं तो उसमें एक टेक आता है ना, आप क्या कहते हैं मुखड़ा अंतरा, ऐसा ही मुखड़ा होगा तो ये इसलिए बार बार दोहराने में आता होगा। ऐसा रिपीटेशन क्यों किया होगा? रिपीटेशन श्लोक रिपीट हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग है, हर जगह उस श्लोक का अर्थ अलग है, माने वही श्लोक जिस अध्याय में आया है उस अध्याय के अनुसार उसका अर्थ होगा, शब्द वही के वही है लेकिन अध्याय के अनुसार उसका अर्थ बदल जाएगा। ये प्रकरण के अनुसार कभी कभी अर्थ बदलते हैं ना शब्दों के, वो उस अनुसार समझ लीजिए श्लोक बिल्कुल वही का वही लेकिन अर्थ प्रकरण के अनुसार बदलते जाते हैं। शास्त्रीय अंतिम वर्ष के विद्यार्थी एक दिन यहाँ पाठ कर रहे थे, बहुत अशुद्ध बोल रहे थे, उपाध्याय वरिष्ठ में ही पढ़ लिया फिर भूल गए, नहीं पढ़ा, अरे क्यों, चलिए अब इसलिए उच्चारण भी शुद्ध कर लीजिए, कम से कम प्रारंभ के 16 छंद तक तो उच्चारण शुद्ध हो जाए, और ये शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप आगे की भी शुद्ध हो जाएंगे। संधि विच्छेद करके नहीं भी बोले तो भी इस तरीके से बोलना चाहिए कि उसमें माने मूल शब्द क्या है वो ख्याल में आना चाहिए, इस तरीके से उसका उच्चारण होना चाहिए। चलिए पहला प्रारंभ करते हैं, यहाँ कोई अलग से मंगलाचरण है नहीं, मंगलाचरण पे ही चर्चा है इसलिए अलग से मंगलाचरण नहीं लिखा है। देवागमन भोयान चामरादि विभूतयाम माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। बहुत महान है आप, लेकिन किस कारण से महान है? चर्चा कर रहे भगवान की, लेकिन इससे हमारा दृष्टिकोण ख्याल में आता है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी रुचि क्या है, ये ख्याल में आती है। शिविर में जाकर आने के बाद, पंचकल्याणक में जाकर के आने के बाद, बहुत बढ़िया पंचकल्याणक हुआ, बहुत बढ़िया,
अपने मोक्ष समाज में सबसे पहला बढ़िया पंचकल्याणक तो मंगलायतन का हुआ। क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अरे क्या खाना था, क्या बढ़िया, इतने प्रकार की मिठाइयाँ बनती थी, दिन भर भोजन और चाय कॉफ़ी दूध जो लेना है दिन भर लो, बिल्कुल चाहे जो जितना चाहे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आज तक कोई इंतजाम नहीं हुआ, नहीं उसके बाद थोड़ा पारला पंचकल्याणक और बढ़िया हुआ। क्यों, क्या एसी पूरा पूरा पांडाल एसी, गजब हो गया। इसलिए ऐसा न भूतो न भविष्यति, नहीं तो फिर सजावट बहुत अच्छी थी, मंच में कार्यक्रम जो हुए इतने बढ़िया, अष्टदेवों के नृत्य इतने अच्छे थे, देखने लायक थे। माने ये सब देख करके क्या ग्रहण किया हमने, रसना इंद्रिय की रुचि वाले, चक्षुर इंद्रिया कर्णेन्द्रिय की रुचि वाले क्या था, और एसी में स्पर्शनेन्द्रिय की रुचि वाले कहाँ कहाँ, हमारी दृष्टि कहाँ गई, तत्व ज्ञान की चर्चा कितनी हुई, शिविर किस लिए लगाया था, पंचकल्याणक तो कहते ही नर से नारायण बनने की विधि है, वो विधि कुछ हमारी समझ में आई कि नहीं आई। आध्यात्मिक शिक्षण शिविर है तो कुछ अध्यात्म आत्मा की चर्चा को समझ में आई कि नहीं, विशेष बात विशेष रुचि हमको हुई कि नहीं हुई, वो इधर तो वो हमें किस लिए बढ़िया लग रहा है, वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमने उसका विश्लेषण किया उससे ख्याल में आता है हमारा दृष्टिकोण क्या है। ऐसे यहाँ कह रहे कि ये सारी चीज़ें आप में हैं, इस कारण से हम आपको महान नहीं मानते, इससे उनको मानने वालों का दृष्टिकोण ख्याल में आता है। क्या क्या है, देवागम, ये तो जब केवल ज्ञान हुआ, समोचरण की रचना हुई और उस समय देव आए, ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ आपका जन्म होना था वहाँ तो आप पहुँचे नहीं, आपके गर्भ में आने से 6 माह पहले से देव पहुँच गए, नगरी की रचना की, रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई, ये देव आगम। तो आने के पहले से लेकर फिर गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान और मोक्ष जाने तक निरंतर, जब वो कल्याणक हुए तब तो आए ही आए, इन कल्याणक के अलावा भी सारी व्यवस्था तीर्थंकरों की देव ही करते हैं, इसलिए निरंतर ही देवों का आगमन रहा। और नभोयान, जब आप केवल ज्ञान युक्त हो गए, केवल ज्ञानी हुए, तब आपका गमन आकाश में अंतरिक्ष में ही हुआ। नभोयान चामरादि विभूतया, 64 चमर ढूंढने लगे उनके अतिशयों में, केवल ज्ञान के 14 अतिशय और देवकृत केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवकृत 14 अतिशय, ये 24 अतिशय, ये सब 10 तो पहले से ही थे, जन्म से ही थे, तो चामरादि विभूतया, लेकिन कहते देवों का आना, आकाश में गमन करना, चमर आदि ढुलना, ये कहते माया विश्व भी दृश्यन्ते, ये तो मायावियों में देखा जा सकता है। वो कौन से रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए 25वां तीर्थंकर आया था ना, 25वां तीर्थंकर आया है, तो वहाँ जब बनाया होगा तो पूरा वैसे ही समोचरण जैसे ही रचना पूरी की होगी ना, तो वहाँ भी सब फाट बाट था, तो ये मायावियों में भी ये हो सकता है। सामान्य कोई विशिष्ट देव हो तो वह देव भी आकाश में गमन करते ही है, सब और देव उनके साथ होते हैं, वो विशेष रिद्धिदार मैंने विशेष ऊपर की देव है तो उसके ऊपर चंवर आदि ढोलने वाले होंगे, मैंने ये तो सब हो सकते हैं, तो मायावियों भी देखा जा सकता है। न अतः त्वम असि नो महान, अतः त्वम नह नो महान, इसके इस कारण से आप हमारे लिए महान नहीं हो, इस कारण से हम आपको महान नहीं मानते हैं।
ये सब छोड़ करके आप माने इनसे छूट गए हैं आप, ये सब मोह माया जैसा है ना, बाहर का वैभव ठाट बांट, और यदि इसी को महान मान रहे तो अभी तो हम इसी में उलझे हुए हैं, इसलिए हम इसके कारण से आपको महान नहीं मानते हैं। हे भगवान, आप हमारी दृष्टि में मात्र इसलिए महान नहीं हो कि आपके दर्शनार्थ देवगण आते हैं, आपका गमन आकाश में होता है, चंवर छत्रादि विभूतियों से विभूषित हो, क्योंकि ये सब तो माया में भी देखे जाते हैं। बोलिए श्लोक एक बार बोलिए। अगले छंद में भी इसी की बात कर रहे हैं, इसमें अंतिम चरण नहीं दोहराया, लेकिन ये इसमें भी लगेगा, न अतस्त्वम असि नो महान, अतः त्वम नह 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 दो बार है ना, न एक बार और नह एक बार, नह न महान असि, इस कारण से आप महान नहीं हो। दूसरा श्लोक बुलवाता हूँ, अध्यात्मम बहिरपेश विग्रहादि महोदय दिव्यः सत्यो दिवौकस्व प्यस्तिरागादि मत्सुसः। अब यहाँ अध्यात्म का अर्थ अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म का अर्थ है अंतरंग, क्योंकि आगे बहिरंग है, इसलिए अध्यात्मम बहि अपि एषः विग्रह आदि महोदया, विग्रह आदि महोदय या विग्रहकार शरीर आदि संबंधी लिया तो आपके शरीर संबंधी अध्यात्म, अब शरीर का भी अध्यात्म होता है, माने शरीर का अंतरंग, शरीर के अंतरंग में भी बहुत महोदय हैं, बहुत अतिशय हैं, सात कुधातुओं से रहित है, परम औदारिक शरीर हुआ है, अंतरंग की रचनाएं ऐसी है, और बाह्य में भी रवि शशि से भी बढ़ करके आपकी तेज है, ऐसा बाहर अंतरिक्ष में ही विराजमान है आप अधर में, समोसरण स्तुति में आत्मा के लिए मैंने उपमा दी, जिनेन्द्र भगवान की आत्मा का उदाहरण देकर के कहा, ऊंचे चतुरांगुल जिन राजे इंद्रो नरेंद्रो मुनिराज पूजे, जेवु निरालंबन आत्म द्रव्य तेवु निरालंबन जिन देह। केवल ज्ञान होने के बाद जिनेन्द्र भगवान की देह भी कैसी हो गई, चतुरांगुल ऊंच माने कमल की रचना भी हो गई तो उससे भी चार अंगुल ऊपर रहते, निरालंब जैसा आत्म द्रव्य निरालंब है ऐसे आपकी देह भी निरालंब हो गई। तो ये सब शरीर संबंधी ऐसे महोदय अतिशय आप में बहुत हुए हैं, अंतरंग में भी बहिरंग में भी बाह्य में भी बहुत ठाट बाट समोसरण आदि की रचना ये सब हो रही है। तो अध्यात्मम बहि अपि एषः विग्रह आदि, विग्रह का शरीर से संबंधित दिया इसको, शरीर आदि संबंधी जो महोदय अतिशय महान उदय रूप अतिशय हैं ये सभी दिव्य मानते बहुत दिव्य है, सत्या दिव्या सत्या दिव्य होने पर भी दिवौ कसु अपि अस्ति, ऐसे अतिशय तो दिवौ कसु अपि अस्ति, दिवौ कस स्वर्ग के देवों को कहा जाता है, दिवौ कस तो स्वर्ग के देवों में भी अस्ति, ये सब हो जाते हैं, उनका शरीर भी ऐसा वैक्रियक शरीर है, विशेष प्रकार का ऐसा है, उनमें भी ऐसी चमक और ये सब हो सकती है, वे भी अधर में रह सकते हैं, ये सारी विशेषताएं उनमें भी हो सकती है, और वे जो देव देव कैसे हैं, रागादि मत्सु, रागादि मत्सु दिवौ कसु, रागादि मान रागी ऐसी देवों में भी ये सारी विशेषताएं हो सकती है, न अतास्तम असीनो महान, इस कारण से भी आपको महान नहीं मानते हैं, माने किसी बाहर के ठाट बाट के कारण महान नहीं मानते हैं, किसी नेता किसी की भी महानता किस आधार पर नापी जाती है, माने जो उस कार्य से संबंधित विशेषता होती है उससे ही महान मानी जाती है, बाहर के
ठाट बाट के कारण से नहीं। इसी प्रकार दूसरे का अर्थ इसका, इसी प्रकार शरीर आदि संबंधी अंतरंग व बहिरंग अतिशय विशेषताएं यद्यपि मायावियों के नहीं पाए जाते हैं, यद्यपि अच्छा मायावी वो ऊपर जैसे इंद्रजालिया हो, कोई इंद्रजालिया वो ठाट बाट ऐसा भले ही करे जादूगर करने वाला, उनमें तो नहीं है लेकिन देवताओं में पाए जाते हैं रागी। अरे वो मायावियों को अलग लिया और इनमें अलग लिया, मायावियों के नहीं पाए जाते तथापि रागादि भावों से युक्त देवताओं के पाए जाते हैं, इस कारण भी आप हमारी दृष्टि में महान नहीं हो सकते। मैंने दोनों कारणों से भी महान नहीं है, तो फिर हम आपको आप्त हमारे गुरु महान क्यों कैसे माने? बहुत हैं और भी, तो वे सब उनमें वे भी तो हो सकते हैं ना, तो वे क्यों नहीं और आप ही क्यों हो? अब इस तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, अभी तो बाहर से आ गए, अब अंतरंग ज्ञान की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तत्व ज्ञान की दृष्टि से अब सारी चर्चा आगे बढ़ेगी। तीसरा छंद तीर्थकृत, अभी ये बोलना है दूसरा, आप बोलिए इसको दूसरे को। हाँ तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद् गुरु। ये इसको भी ऐसा जोड़ रहे हैं, इस कारण से भी आप महान नहीं हो, तीर्थ कृत आप तीर्थंकर हो, तीर्थ चलाते हो, पहले तीर्थ चलाते हो तो और भी चलाते हैं तीर्थ, दूसरे भी हैं लेकिन उनमें वो तीर्थपना नहीं है, ये भी स्पष्ट करते हैं। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः, जो तीर्थकृत समय अनेक तीर्थ चलाने वालों के द्वारा जो जो मत चलाए गए हैं समयानाम, उनमें जो परस्पर मत है उनमें परस्पर विरोधतः, परस्पर विरोध होने से सर्वेषाम आप्तता नास्ति, जब सब आपस में भिड़ रहे हो तो ये यही कहा जाएगा कि ये कोई भी ये सब आप्त नहीं हो सकते हैं, सब तो आप्त नहीं, जब परस्पर विरोधी बातें कही जा रही है तो सर्व आप्त कैसे हो सकते हैं? तो क्या होगा? कश्चिदेव भवेद गुरु, कोई एक गुरु, सबकी बातें सत्य जब विरुद्धि हो रही हो, एक सी बात कह रहे हो जब तो और दिक्कत है, एक सी ही बात सभी कह रहे हो जब तो निर्णय करना और कठिन है, लेकिन परस्पर विरुद्ध बातें कह रहे हैं तो परस्पर विरुद्ध कहने वाले सभी तो सत्य नहीं हो सकते हैं। कश्चिदेव भवेद गुरु, उनमें से कोई ही एक ही गुरु होगा, आप तो होगा कोई एक ही, तो कौन आप तो होगा? बाकी आप तो क्यों नहीं है, आप ही आप तो क्यों हो? इसकी सिद्धि फिर और आगे करेंगे। आगम के आधार एवं धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने से भी आपकी महानता सिद्ध नहीं होती। आगम के आधार समयानाम और तीर्थकृत धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने से भी आपकी समानता महानता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों को बनाने वाले और संप्रदाय पंथ रूप तीर्थों को चलाने वाले अनेक हैं, उन सबके वचन प्राय परस्पर विरोधी है, परस्पर विरोधी वचनों वाले सब तो आप तो हो नहीं सकते, उनमें से कोई एक ही आप तो होगा। कश्चिदेव भवेद गुरु, इसका इस तरह से भी अर्थ निकालते हैं, कहाँ भवेद गुरु, फिर कौन गुरु होगा? बोले चिद एव, बस चैतन्य रूप आत्मा ही गुरु है, जैसे दर्शन आचार्य के पास जब वो दो मुनिराज पहुँचे और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको मंत्र दिया और कहा अब तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, इसका मतलब तुम सोच समझ करके कोई शंका खड़ी हो जाए तो तत्काल दौड़ करके मेरे पास मत आना, स्वयं बुद्धि लगाना,
ये सब परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं। कहाँ भवेत गुरु, कौन महान होगा? इच्छित एव चैतन्य रूप आत्मा ही फिर महान है। स्वयं निर्णय करो कि कौन महान हो सकता है। वो किस स्थान करके निकाला हुआ अर्थ है। बोलिए तीसरा श्लोक भी बोलिए। अब बढ़ते हैं, आप कैसे महान हो? दो बातों के आधार से ही महानता हो सकती है। टोडरमल जी ने कहा पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों है, पूज्यत्व के कारण की चर्चा करते हुए कहा, लोक में जीव जो है राग की कषाय की अधिकता, राग की अधिकता और ज्ञान की हीनता से निंदा योग्य होता है, ज्ञान की अधिकता और राग की हीनता से प्रशंसा योग्य होता है। और आप में से तीन तो एक देश वितराग विज्ञान में है और दो तो पूर्ण वितराग विज्ञान में है, तो राग की पूरी हीनता हुई, ज्ञान की अधिकता हुई, इस कारण से आप पूज्य हैं, प्रशंसा योग्य, महान हैं। तो ये दो बातें यहाँ पर घटित कर रहे हैं एक तरह से। पहले में चौथे में राग की हीनता वाली और पांचवे में वो केवल ज्ञान की मुख्यता वाली बात करते हैं। वो केवल ज्ञान के लिए भी राग की हीनता आवश्यक है। वो कैसे होती है? दोषावरणयोर्हानिर् निःशेषास्त्यतिशायणात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो। इसमें रेप चाहिए ना। बहिरंतर्मलक्षयाम् नहीं, हेभ्य हेतुभ्य में अपने आप ही वो हो गया उसका रेप का। इसमें पता नहीं क्यों तीन जगह एक एक मात्रा ज्यादा लग गई है। दोषावरण यो, दो दोष में भी दो मात्राएं लग गई। हाँ, और दोषावरण यो यो में भी एक ही होना चाहिए थे। और नीचे निशेषा निशेष उसमें भी एक होना चाहिए थे। निशेषा स्थिति शायनाथ दोषावरण यो हो हानि निशेषा अस्ति अतिशायनाथ। समन भद्राचार्य का न्याय शुरू हो गया यहीं से। दोष और आवरणों की हानि निशेष होती है। क्यों? अतिशायनाथ। दोष और आवरण, दोष और आवरण कहकर के यहाँ पर अरिरज रहस्य विहीन जैसा कह दिया है। अरिरज रहस्य ऐसा कहकर के वहाँ चारों घाती क्रम ले लिए। ऐसे यहाँ पर दोष और आवरण कहकर के यहाँ पर चारों घाती क्रम ले लिए। मोहादि दोष है। मोह माने मोर मोहनीय कर्म, ये दोष है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय ये के आवरण है। ये तीनों ये दोष और आवरणों की निशेष हानि, पूरी तरह से हानि, इनका पूरा अभाव है, होता है। कैसे समझा? कि अतिशायनाथ, अतिशय अतिशयनाथ का अर्थ किया अतिशय नहीं बल्कि घटा बड़ी होती है। कभी अति होता है कभी शाय होता है, माने कम होता है समझ लो। घटा बड़ी होती रहती है और घटा बड़ी हो रही है तो घटते 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 ये पूरी तरह से घट सकते हैं। तो बढ़ते 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 पूरी तरह से बढ़ जाए तो ना बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाते हैं। क्या होता है बढ़ते बढ़ते? हो बढ़े कितना भी बढ़े, स्वभाव स्वाभाविक रूप से जीव में एक अंश ऐसा होता है जो निरावरण रहता है, उस पर ज्ञान आवरण नहीं डाल पाता। वो श्रुत ज्ञान का सबसे अंतिम अंश कहते, बहुत सबसे छोटा, केवल ज्ञान के अनंतवा भाग। और जो निगोदिया जीव क्षुद्र भव करता है लगातार कितने, हाँ, तो वो कहते जब
ज्ञान घटता 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 जाता है, वो सबसे अंतिम बहुत अल्प रहता है, पर्याय समास ऐसा कुछ कर्णान योग में नाम उसका, मैं सबसे अंतिम वो अंतिम अंश ऐसा है उस पर आवरण, ज्ञान आवरण का आवरण नहीं आ पाता, तो पूरा बढ़ जाए बढ़ने दो, इसलिए उस पर आवरण तो आता ही नहीं है, ऐसा बढ़ता ही नहीं है, हमेशा क्षोभम रूप ही रहता है, उदय इतना नहीं होता पूरा सबका, लेकिन हो तब बिगड़ बढ़े, लेकिन घट रहा है। कहीं ये शब्द आया ना, घटती जान घटाइए, 10 लक्षण पूजन में है ना, घटती जान घटाइए, तृष्णा तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए, ये तृष्णा भाव घट सकता है ना, तो घट सकता है तो इसका पूरा घटा दीजिए इसको, ऐसे ज्ञानावरण इनका क्षय होता है, माने घटते घटते जाते हैं, तो ये पूरी तरह से भी घट सकते हैं, इस तर्क से इस हेतु से इस बात को कहा। कैसे निशेष हानि होगी इनकी, क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षया, जैसे कहीं स्वहेतुभ्यो अपने कारणों से, उसके जो कारण होंगे उनके द्वारा बहिरंतरमलक्षया, जिसके भी बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के मलों के क्षय कारण करने के हेतु मिल जाए उसे, तो उसको पूरा मल क्षय हो जाता है, ऐसा लोक में देखा जाता है। कपड़ा अच्छी तरह से साफ करना है, ऊपर ऊपर मैल लगा है, झटकार करके दूर हो जाता है, और कुछ मैल रेशों में और उसमें घुस गया, दाग जैसे लग गए हैं, तो उसे थोड़ा सा गर्म पानी से, सोडा से और इससे करके अच्छी तरह से और साफ हो जाता है। तो दोनों तरह से बहिरंतर क्वचित यथा स्व हेतु, उनके जो निजी कारण है, इसमें सोने का उदाहरण दिया, जैसे सोना है कैसे शुद्ध होगा, सोने को तपा करके ही शुद्ध किया जाता है, तो उसको तपाते हैं तो उसके जो अपने हेतु मिले, तो बाह्य और अंतरंग जितना मल है वो दूर हो जाता है, ऐसे ही दोष और आवरणों का भी नाश हो सकता है स्वहेतुभ्यो, उसके निज अपने जो हेतु है उसका हेतु है शुद्धोपयोग, उसका हेतु है भेद विज्ञान, उसके माध्यम से वो दोष और आवरण दूर हो सकते हैं। हे भगवान, आपकी महानता तो वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण ही है, वो तो नहीं है कहा था, आप बता रहे इनके कारण से है। वीतरागता और सर्वज्ञता असंभव नहीं है, मोह राग द्वेषादि दोष और ज्ञानावरणादि आवरणों का संपूर्ण अभाव संभव है, क्योंकि इनकी हानि क्रमशः होती देखी जाती है, अतिशायनात का अर्थ किया, क्रमशः हानि होती देखी जाती है। जिस प्रकार लोक में अशुद्ध कनक पाषाण, कनक पाषाण जो सोना खदान से निकलता है ना, वो मिट्टी सहित होता है, माने वो तो पत्थर जैसे ही दिखता है, निकलेगा तो हमारे सामने रखेंगे तो हमको तो मिट्टी दिखेगी, उसमें सोना होता है, तो कनक पाषाण आदि में स्वहेतुओं से, अर्थात उसे शुद्ध करने के जो उसके हेतु है, उन हेतुओं से अर्थात अग्नि तापादि से अंतर बाह्य मल का अभाव होकर, इन्ना शब्द छप गया इसमें, अंतर बाह्य मल का अभाव होकर स्वर्ण की शुद्धता होती देखी जाती है। अशुद्ध हो गया तो अग्नि से तपा करके शुद्ध कर लो, कपड़ा अशुद्ध हो गया तो क्या करो, अग्नि से तपा करके शुद्ध कर लो कपड़े को भी, हा? हो जाएगा, हो जाएगा पूरा ही, पूरा साफ हो जाएगा, कपड़ा ही साफ हो जाएगा पूरा। तो इसके स्व हेतु कह रहे, जिसके शुद्ध करने के हेतु जैसे होते हैं उसके अनुसार उनके अंतर बाह्य मल का अभाव होकर स्वर्ण की शुद्धता होती जाती है, उसी प्रकार शुद्धोपयोग रूप ध्यानाग्नि के ताप से किसी आत्मा के दोषावरण की हानि होकर वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट होना संभव है। और आपके आपके हुआ है तो आगे बता देंगे, ऐसा आपके हुआ है इसलिए आप महान हो, ये आगे घटित करेंगे। बोलिए श्लोक बोलिए एक बार।
चलिए यहीं तक की चर्चा रखते हैं, सर्वज्ञ सिद्धि और फिर अभावों की चर्चा, इतनी चर्चा तो कल हो ही सकती है।